और अगर आज आप अपनी बाइबल अपने साथ लेकर आए हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा उसको मत्ती 16 में खोल लेने का। अगर पिछले 24 आयत से हम पढ़ेंगे, मत्ती 16 का 24 वचन यूं कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इस बात को हम मेरे पीछे आप ज़रा दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई, अगर, यदि का मतलब है अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा जो हमसे कहना चाहता है वो पूरी रीति से कहे और हम उसको सुनकर आशीषित हों। हालेलुया खुदावन, ये वचन मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता। जो कुछ भी तूने मेरे दिल में बोया है पिता, वो तेरे लोगों तक पहुंच सके, वो तेरे लोग जान सके, वो तेरे लोग सुन सके, वो तेरे लोग मान सके परमेश्वर, ये इनके जहन के अंदर बैठ जाए और एक आशीष का फल लाए। खुदावन हमारी जिंदगियां बदले, हमारी जिंदगियों में आशीष आए। परमेश्वर आपको सारा आदर महिमा जलाल देते हैं। हर कान आपकी आवाज़ सुनने को तैयार हो, हर दिल आपकी दस्तक के लिए खुल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। जब आप मत्ती 24 को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, इसकी जब 23 के अंत की शुरुआत होती है, जब 23 का जो मैथ्यू 23 एंड होता है, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे कि इन फरीसियों के जैसे मत हो जाना। जो फैरिसिकल थिंकिंग है, जो फरीसियों की सोच है, वो बड़ी अच्छी सोच है। वो कपड़े पहन लेते हैं धार्मिक और चौराहों पर खड़े हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि चिट्टे कपड़े पहनकर काला बैग उठाकर जब कोई आदमी चलता है तो उसको मालूम है क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं? वो पास्टर की यूनिफॉर्म है। तो मैंने वो यूनिफॉर्म डिस्कार्ड कर दी, मैं जीन्स में घूमता हूँ। तो चिट्टे कपड़े पहन के काला बैग उठा के कोई भी बंदा आपके घर पहुँचा तो वो पास्टर है, ठीक है जी। अंडरलाइन स्टेटमेंट है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं, समझने की बात नहीं, ये पास्टर है। तो प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि ये जो फैरिसिकल थिंकिंग है ना, ये है ऊपरी तौर से मैं अपने आप को बदल लेता हूं, ऊपरी तौर से मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूं, और जब लोग मेरे को ऊपरी तौर से बदला हुआ देखेंगे, जब लोग मेरे को ऊपरी तौर से बदला हुआ देखेंगे, वो समझ जाएंगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किधर से आया हूं। ऊपरी तौर से, अंदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऊपर की बात कर रहा हूं। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यही बोल रहे थे कि ऊपरी तौर से कुछ नहीं करना, ऊपरी तौर से नहीं करना, जो कुछ भी करना वो अंदर की तौर से करना। पिछले हफ्ते जब आप मेरे साथ थे तो प्रभु यीशु मसीह पतरस को यूं कहते हैं कि मैं कलीसिया इस पत्थर के ऊपर ही चलाऊंगा। अगले मोमेंट में पतरस क्या करता है, यीशु मसीह को कोने में ले जाता है, झिड़कने लगता है और कहता है कि नहीं प्रभु, तू तो मर नहीं सकता, तू तो मर नहीं सकता। और ये सारी बातें चल रही होती हैं और उसके आखिर में जब हम ये 24 की आयत के आखिर में पहुंचते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे।
फैन और फॉलोअर दोनों के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। फैन, पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे तो हम फैनशिप के बारे में बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं गॉस्पल प्रचारक भी इतने स्टारडम में चले गए हैं कि उनको फैन फॉलोइंग से बहुत फर्क पड़ने लग गया है। प्रचार कितना करते हैं मुझे समझ नहीं आता, मगर फैन फॉलोइंग करना बड़ा आसान है। पिछले 14 साल मैंने मशहूरी की, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज चलाई और खास तौर पे डिजिटल एडवर्टाइजिंग, जो लोग आज मतलब करना सीखे हैं, जब इंडिया में ईमेल नहीं था तब से मैं ये काम करता हुआ आया हूँ और मुझे मालूम है क्या करने से क्या होता है। मगर जिस दिन मैं सेवकाई में आया, मैंने सोचा मैंने ऐसी सेवकाई चला लेनी है। परमेश्वर ने कहा है, जो सीखा है वो नहीं करना, मैं तुझे नई बातें सिखाऊंगा। कई बार हमारे को लगता है कि सेवकाई को चलाने का मतलब ये है कि लोग मुझे जाने, तो उसी तरीके से हम अपनी सेवकाइयों को ट्विस्ट करते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं ताकि लोग मेरे पीछे लग जाएं। टेस्टिमनी भी ऐसी होती है, जब पास्टर जी ने प्रार्थना करी तब ये काम होने लग गया, जब पास्टर जी ने प्रार्थना करी तब ये काम होने लग गया। मैं बोलता हूं अब आप फैन बनना बंद करो, आप प्रभु यीशु के फॉलोअर बनो। फॉलोअर का मतलब यह है कि जब तुमने प्रार्थना करी, जब आपने प्रार्थना करी तब क्या हुआ। मैंने प्रार्थना करी मुझे समझ में आता है, मगर जब तुमने प्रार्थना करी तब क्या हुआ। हालेलुया, हम सभी प्रार्थना करते हैं, दिन के बहुत सारा समय हम प्रार्थना में निकाल रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर असर क्यों नहीं हो रहा, असर क्यों नहीं हो रहा। कहीं हम अभी भी फैन तो नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा शायद मैं फैन तो नहीं हूं यीशु मसीह का। क्योंकि जब तक सब सही चल रहा था, जब तक चेले मुर्दों को जिंदा होते हुए देख रहे थे, जब तक चेले 5,000 को खिला रहे थे और 12 टोकरियां जो रोटियों की बची हुई थी वो उठा रहे थे, जब तक चेले और दूसरे काम कर रहे थे, मतलब ग्लोरी का समय चल रहा था, चेले बड़े खुश थे, मगर जैसे ही पिटाई होने लगी सबके सब भाग गए। मैं उनके खिलाफ, मेरे दिल में कुछ नहीं है, ना मैं उनके खिलाफ प्रचार कर रहा हूं, मगर कई बार क्या ये हमारी बातें तो नहीं है, कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे कि जब तक सब सही चल रहा है हम चर्च जा रहे हैं, हम दर्शना कर रहे हैं, जैसे ही हालात बिगड़ने लग गए, जैसे ही चीजें इधर की उधर होने लग गई, हम कोई और ठोर ठिकाना ढूंढने लगते हैं, हम किसी और डायरेक्शन में भागने लगते हैं। यीशु मसीह साफ रीति से यहां पर कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, कोई जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है उसके अंदर, उसने बड़े तरीके से, बड़े सलीके से मती 16 में यूं कहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। दो कंडीशंस है, मैंने अपने आप से इनकार करना है और अपना क्रूस उठाना है, ठीक है, इस बातों को याद रखिएगा, अपने आप से इनकार करना है और अपना क्रूस उठाना है। सबसे पहले समझते हैं अपने आप से इनकार करना क्या है, मैं खुद को कैसे इनकार कर सकता हूं। आप अपनी प्रार्थनाओं को एक सेकंड लीजिए और अपनी प्रार्थनाओं को बहुत ध्यान से देखिए। आपके पास एक प्रार्थना की लिस्ट होगी, मेरे पास भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और उस लिस्ट को बहुत ध्यान से देखिए। आप अगर 3 घंटे 4 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद है हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये जो 4 घंटे की प्रार्थना है इसमें हम प्रार्थना क्या करते हैं। मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरे पास पैसे आ जाए, मैं चंगा हो जाऊं, मेरा बंगले बन जाए, मैं फॉरेन का ट्रिप लगा लूं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, और हम इसको प्रार्थना बोलते हैं। हम में से कितने लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, हर नाम में ऊंचा माना जाए, तू जो आसमान में है तेरा राज्य आए, हर घुटना तेरी आगे झुके, हर जबान तुझे अंगीकार करे। दोनों बातों का फर्क नजर आया। मैं जानता हूं हमारी जरूरतें हैं, मेरी भी जरूरतें हैं, आपकी भी जरूरतें हैं, मगर जब जरूरतें आपके ऊपर हावी होने लगती हैं,
आप सोच रहे पास्टर जी ये कैसे है, सुनिएगा। कई बार हमारी प्रेयर, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी बातचीत करने का तरीका, ये हमारे को ऊंचा उठाता है। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, हम अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। चाहे आप कोई भी हो, कितने समय से भी परमेश्वर के साथ हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की बात है ये हम सभी में है। पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे तो पतरस को प्रभु यीशु मसीह यूं कहता है, एक सेकंड में पतरस कहता है कि तू यीशु है, तू मसीह है, और दूसरे सेकंड में पतरस यीशु मसीह को साइड में ले जाता है, उसको झिड़कने लगता है। ये क्या है कि मैं अपने आप को परमेश्वर, मुझे तो उससे ज्यादा मालूम है, मुझे तो उससे ज्यादा मालूम है। सुनिएगा, फ्लैश, ये जो चमड़ी है आपकी, ये बड़ी अजीब चमड़ी है, बड़ी अजीब चीज है। आप ये चीज को पहले अदन की वाटिका में होता हुआ देखते, ये जो सबसे पहले फ्लैश ग्रेटिफिकेशन हुआ वो अदन की वाटिका में। वहां पे कोई कमांडमेंट्स नहीं थे, वहां पर कोई आज्ञा नहीं थी, सिर्फ एक आज्ञा थी कि भाई इस पेड़ का फल नहीं खाना, इस पेड़ का फल नहीं खाना, बाकी तुम जो चाहो, जैसे चाहो, जिस तरीके से चाहो रह सकते हो, मगर चमड़ी एक ऐसी चीज है, ठीक है, ये चमड़ी ने हमारी बात ना सुनी। आपका फ्लैश है क्या? आपकी आंखें, अगर आपकी पांच इंद्रियों की बात करें, पांच इंद्रियां मालूम है? हाँ जी, मतलब आपके पांच सेंसेस क्या है? एक जिससे हम अपने पूरे दिन चर्च में आके भी मोबाइल देखते रहते, वो भी एक सेंस है, वो सेंस नहीं, वो नॉनसेंस है, ठीक है जी। हमारी आंखें किसकी तरफ लगी हुई हैं? हमारे कान किसकी तरफ लगे हुए हैं? अगर आप बाइबल को देखें, बड़ी सारी आयतें हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसकी आंखों से, जिसकी आंखें काली हैं, उसका सारा शरीर क्या है? काला है। यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है। दूसरा यीशु मसीह कहते हैं जो चखना है, कि जो मुझे एक बार चखता है वो किसी और चीज़ का प्यासा नहीं होता। ये क्या है? ये जो हमारा फ्लैश है, ये जो हमारा फ्लैश है, इसको हम कैसे ग्रेटिफाई कर रहे हैं? कलीसिया में हम आ गए हैं, हमारा हम पहले गलत रीति से चल रहे थे, गलत सोचों में चल रहे थे, गलत समझ में चल रहे थे, अब हमारा उद्धार हो गया है, मगर अभी भी हमारा थॉट उस फ्लैश पे लगा हुआ है। हाउ मैं अपने फ्लैश को, मैं अपने आप को कैसे खुश कर सकता हूं, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं, मेरे लिए इसके अंदर क्या है। कितने बार हम लोग सेल्फलेस होते हैं। सेल्फिश का मतलब होता है मैं खुदगर्ज हूं। सेल्फिश की पंजाबी क्या हो सकती है? मैं खुदगर्ज हूं, मुझे अपने लिए चाहिए, मैं अपने लिए करना चाहता हूं, मेरे को अपनी चीज है, अपनी सोच है, मेरे को अपने लिए चाहिए। आपका कुछ हो ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे अपने लिए चाहिए। ये है सेल्फिश फ्लैश। हम में से कई सारे लोग अपने लिए सोचने में ज्यादा टाइम लगाते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि अपने लिए मत सोचिए, आपको अपने लिए सोचना चाहिए, मगर हमारा जब सारा समय अपने लिए जाता है, हम परमेश्वर को कहीं ना कहीं उसका इनकार कर रहे हैं। ये जो शरीर है ये परमेश्वर का दिया हुआ सबसे बेस्ट गिफ्ट है। अगर आज आप किसी चीज को अपना कह सकते हैं तो इस शरीर को अपना कह सकते हैं। इसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, इसके ऊपर आपकी पूरी हुकूमत चलती है। अगर आप चार दिन दाढ़ी ना बनाए तो कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, यह आपकी हुकूमत है। आप एक साल बाल नहीं काटें, यह आपकी हुकूमत है, क्योंकि यहां पर आपकी हुकूमत चलती है। मगर कई बार हम इस शरीर को क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हैं, और इस शरीर के जरिए से अलग अलग चीजें, अलग अलग थॉट प्रोसेस, अलग अलग पैटर्न्स हमारी लाइफ में एंटर करते हैं। कुछ सवाल जो हैं, जो हमने आज अपने आप से पूछना है, कि हमारी आंखें आज किस चीज को सबसे ज्यादा देखना चाहती, क्या चीज को आपकी आंखें ढूंढ रही है? जिनकी शादी नहीं हुई वो शायद एक पत्नी को ढूंढ रहे हैं या एक पति को ढूंढ रहे हैं। जिनकी नौकरियां नहीं लगी वो एक नौकरी को ढूंढ रहे हैं। जिनके पास घर नहीं है वो सोच रहे हैं मैं अपने घर में एक बार किसी तरीके से घुस जाऊं। जिनके पास कर्जे हैं मैं वो सवेरा देखना चाहता हूं जिस समय मेरा कर्जा ना हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर हमारा 24 आवर्स अगर ये फोकस रहता है
तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को अपने ऊपर से या परमेश्वर के अधीनता से हट जाते हैं। खुद में हम खुदा को ढूंढने की जगह, ये जो खुद और खुदा है, ये बड़े बड़े अच्छे शब्द हैं। मैं खुद में खुदा को ढूंढना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का क्या हो। मैं खुद में खुदा को ढूंढना चाहता हूं, मगर मैं खुद में खुदा को ढूंढ इसलिए नहीं पाता क्योंकि मेरे खुद में इतनी खुदगर्जी है। मैं उस मंदिर में जाता तो हूं, उस मंदिर का मालिक तो हूं, मगर कहीं ना कहीं मेरी मंदिर के अंदर इतनी खुदगर्जी है कि वो मंदिर कई बार मुझे लगता है वो खुदा का नहीं है। ये मेरा फ्लैश है, ये जो मेरी चमड़ी है, ये मेरे ऊपर रूल करती है। आदम और हव्वा के साथ भी यही हुआ। हव्वा ने देखा सांप का बहकावा और सांप आया, सांप ने ऐसा किया वैसा किया, वो बात अलग है। मगर बाइबल यूं बताती है कि हव्वा ने देखा कि फल खाने में अच्छा है, देखने में मनभाऊ है। उसने लिया, खाया और उसके बाद अपने पति को भी दिया। पति ने पता है क्यों खाया? क्योंकि उसने देखा कि उसकी पत्नी को कुछ नहीं हुआ, पत्नी तो मरी नहीं, तो पति ने भी लिया और खा लिया। और बाइबल बोलती है जब आदम ने पाप किया तब उन लोगों की आंखें खुली। जब हव्वा ने खाया तब तक कुछ नहीं हुआ था। अगर आप बाइबल को बहुत ध्यान से उत्पत्ति 2 में पढ़ेंगे तब ऐसा ही देखने को मिलेगा कि जब हव्वा ने किया तब तक कुछ नहीं हुआ था, मगर जैसे ही जिसके हाथ में अथॉरिटी थी जब उसने किया तब सारे काम होने लग गए। परमेश्वर ने अगर आज आपको हुकूमत दी है तो हुकूमत आपके फ्लैश के ऊपर दी है। जब हम नए जीवन में आते हैं तो हमारे नए जीवन में क्या होता है कि हम एक पाप की रीति से चल रहे थे, अब हम परमेश्वर में आ गए हैं और अभी भी वो पाप की रीतियां अलग अलग रीति से होते हुए चल रही है हमारे बीच में। सुनिएगा, ये जो फ्लैश है ना, ये जो चमड़ी है, इसकी एक याददाश्त होती है, इसको बोलते हैं मसल मेमोरी। किसी भी चीज को 100 बार कर लीजिए, कितनी बार? 100 बार, ये आपकी आदत बन जाती है। जितने लोग नशे में हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं या कोई और नशा करते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी रीति से जानेंगे कि जैसे ही थोड़ा टेंशन आया आपका मुंह अपने आप आपकी उंगलियां करेंगी, यार किसी तरीके से मेरे मुंह में कुछ लग जाए। टेंशन आपके दिमाग में आया है, शायद आपको लोन की किश्त भरनी है या शायद आपको बिजली का बिल भरना है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया, आपकी जेब में पैसे नहीं, आपके पास टेंशन है। पहले भी आप ऐसा करते थे, अभी भी आप ऐसा करते हैं, वो आपका जो मसल है ऑटोमेटिकली बोलेगा यार जेब में हाथ डाल, जेब में से कुछ निकाल, अपने मुंह पे लगा, मुंह कुछ कर। ये आपकी मसल की मेमोरी है, ये आपके शरीर को हमने ट्रेन किया है कि वो ऐसे पुट्ठे काम करे। सिमिलरली जब कोई आदमी अल्कोहल पीता है या कोई और नशा करता है, वो अपने आप को ट्रेनिंग देता है ये नशा करने की। उसका दिमाग, ओ यार मेरे शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है। क्या नशा करने से पहले आपके शरीर में दर्द नहीं होता था? तब आप क्या करते थे? तब आप किसके पास जाते थे, क्या चीज किया करते थे? ये सारी बातों को हमने थोड़ा सोचना है कि हमने अपने शरीर को कैसे ट्रेन किया है। नीति वचन यूं कहता है कि जब तुम्हारा बच्चा छोटा है उसको परमेश्वर के रास्तों पर चलना सिखाओ, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा वो परमेश्वर के रास्ते से और उसकी जो युक्तियां हैं उससे दूर नहीं होगा। सिखाना पड़ेगा। क्या आज आपने अपने फ्लैश को ट्रेन किया? क्या आज आपने अपने फ्लैश को कंट्रोल किया? आपके पास कितनों के पास कुत्ते हैं? कुत्ता है किसी के पास? ओके, 1-2 वो है, क्या नाम है, तोता है? अरे किसी के घर में कॉकरोच तो होगा। आप हर चीज़ को ट्रेन कर सकते हैं, मालूम है। आप अपने आप को डरने के लिए भी ट्रेन करते हैं। कितनी बहनों को कॉकरोच देख के बहुत अच्छा लगता है? अच्छा, कितनी बहनें कॉकरोच से डरती हैं? ईमानदारी से हाथ उठा दो। 1-2-3-4 कभी कॉकरोच ने आपको काटा? कभी उसने डंक मारा? कॉकरोच के डंक मारने से कोई मरता है? फिर आपको डर क्यों लगता है? अच्छा सा भूरा सा दिखने वाला जानवर है, छोटा सा, बड़ा पीसफुल आदमी है, चुपचाप अपना मुंह हिलाता है, ऐसे ऐसे जाता है, आपके घर का कचरा भी साफ करता है, आपको मालूम नहीं है। आपको कॉकरोच से डर क्यों लगता है? कभी सोचा इस बारे में?
क्योंकि मेरी मम्मी को लगता था, मेरी दीदी को लगता था, मेरी चाची को लगता था, उनको देखा देखी मैंने भी अपने आप के अंदर ये डर बिठा लिया। हाँ जी, ये आपने अपने फ्लैश को ट्रेनिंग दी है। उसने क्या, किसी कॉकरोच ने किसी को डंक मारा, डंक मारता है तो वो होता है, वो जो मधुमक्खी, मधुमक्खी से डरना चाहिए आपको। मधुमक्खी से आप डर नहीं रहे, आप कॉकरोच से क्यों डर रहे? क्योंकि आपने अपने चमड़ी को डरना सिखाया है। मेरी बात शायद आप में से किसी लोग, कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रही है। आपने अपने आप को शराब पीना सिखाया है, आपने अपने आप को सिगरेट पीना सिखाया है, आपने अपने आप को गाली देना सिखाया है। ये कोर्सेस किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं कराए जाते। गाली देना आपने कहां से सीखा? प्री नर्सरी में जाके टीचर आके एक क्लास लेती थी, गाली देने की क्लास, ऐसा होता था। आपने देखा, उसको रिसीव किया आपने चमड़ी में और आप करने लगे। झूठ बोलना आपने कहां से सीखा? हाँ जी, कोई ट्यूशन ली थी? जैसे IELTS की ट्यूशन होती है, वैसे ही झूठ बोलने की भी एक ट्यूशन है। आपने देखा, सीखा, करने लगे। ये कैसे हुआ? ट्रेनिंग। मेरी बात इनको समझ नहीं लग रही दैट हम अपने आप को ट्रेन करते हैं पुट्ठे कामों में। यही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमने खुद को इनकार करना है। जैसे हम पुट्ठे काम करना सीख सकते हैं, क्या हम सही काम करना नहीं सीख सकते? हाँ जी, सुनिएगा। यहां पर जब आप थोड़ा आगे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों को, यूहन्ना, याकूब और पतरस को रूपांतरण के पहाड़ पर ले जाते हैं। रूपांतरण के पहाड़ पे वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना रूप बदलते हुए देखते हैं, ग्लोरी में आता हुआ देखते हैं। तो इन तीनों आदमियों को प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि प्रार्थना करो, और ये तीनों आदमी सो जाते हैं। कितने लोग प्रेयर करते करते सो जाते हैं? हाथ दिखाइएगा। इसको प्रेयर नैप बोलते हैं। एक ही ईमानदार आदमी है, बाकी किसी को नींद नहीं आती। कितने लोग प्रेयर करते करते सो जाते? कितने लोग चर्च में बैठ के अभी सो रहे हैं? जितने सो रहे हैं आमीन बोलिए। हे, एक बोला। पतरस, यूहन्ना और याकूब एक पहाड़ के ऊपर है जहां पर उनके सामने प्रभु यीशु मसीह है और वो बदल रहा है उसको ग्लोरी। वो पहला, ये पहले 3 आदमी है पूरी हिस्ट्री में जो परमेश्वर की आपको अपनी आंखों से देख रहे हैं। और बाइबल बताता है वहां पर बादल आ जाता है और परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं। ये 3 आदमी ये इवेंट को होता हुआ देखते हैं और ये जाके सो जाते हैं। ये जाके सो जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि शरीर चाहता नहीं ग्लोरी को देखना। शरीर को जो है, जैसा है वैसा पसंद है। कितने लोगों को मालूम है सबसे अच्छा दोस्त आपका कौन है? मालूम है क्या है सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका? कौन? परमेश्वर। ओके, मैं आपको बताता हूं मोटापा क्या है। मोटापा एक बार आए फिर नहीं जाता, फिर नहीं जाता साहब, ये चिपक गया आपके साथ। ये मोटापा हम लाए कैसे? पहले जब हम 23 साल के थे, 6-6 घंटे जिम लगाया करते थे, मगर जैसे ही हम पैदल चल रहे थे, हमने किसी को साइकिल से जाते हुए देखा, खुदावन हमें साइकिल दो, हमने साइकिल ले ली। फिर हम साइकिल पे चलने लगे। फिर हमने किसी को मोटरसाइकिल से जाते हुए देखा कि खुदावन मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, फिर हमने मोटरसाइकिल ले ली। हम मोटरसाइकिल लेके चलने लगे। फिर हमने किसी को गाड़ी से जाते हुए देखा, हमने बोला खुदावन ये गाड़ी हमें चाहिए, तो हमने गाड़ी ले ली। और फिर गाड़ी में बैठ बैठ के हमारा तोंद जो है 28 से 36 का हो गया। फिर हमने क्या किया, हम जिम जाएंगे और जिम जाके वापस साइकिल चलाने लग गए, क्योंकि अब हमने तोंद घटानी थी। ये जिंदगी है हम लोगों की, ये फ्लैश है। फ्लैश ने हमें देखा देखी सिखाई चीजों को मांगना। आप में से कितने लोग देखा देखी कामों को करते हैं? कितने लोग कनाडा जाना चाहते हैं? आधा पंजाब कनाडा में बैठा है। क्या दुनिया में और देश नहीं है? क्योंकि एक गया, एक ने दूसरे को बुलाया, दूसरे ने तीसरे को बुलाया, देखा देखी। कोई ये नहीं कहता कि मैं इटली जाना चाहता हूं, कोई ये नहीं कहता मैं फ्रांस जाना चाहता हूं, सारे कनाडा जाना चाहते हैं।
ऐसा क्या है, इतना सर्दी है वहां पर, आप नानी याद आ जाएगी, क्योंकि ये देखा देखी है। यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि जो कोई, यदि अगर आप फैन से फॉलोअर बनना चाहते हैं, अगर आप पावर में जीना चाहते हैं, पावर में रहना चाहते हैं, तो आपको अपने फ्लैश की सुनना बंद करना पड़ेगा। गाड़ी में एक ही ड्राइवर सीट होती है, दो स्टीयरिंग नहीं होती, दो मोटरसाइकिल के दो हैंडल नहीं होते, दो आदमी नहीं चला सकते। बहुत सारे लोग आकर यूं कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे घर में नहीं सुनते, आप प्रार्थना करो हमारे बच्चे हमारी सुनने लगे। मैं कहता हूं मेरी प्रार्थना की जरूरत नहीं है आपको, बहन जी आपको जरूरत है कि आप अपनी पति की सुने। ओ, सारे सो गए, क्योंकि आप अपने पति की नहीं सुनते और आप अपने पत्नी पति के मतलब सामने ही मतलब ब्लास्ट मार रहे हो, ब्लास्ट समझते ना, जो हर संडे में चर्च में आने से पहले होता है, उठ नहीं सकते तू ही, बच्चियानू भी मैं ही तैयार करा, ये ब्लास्ट होता है, मैं नहीं माननी ताड़ी गल, यही सीख रहा है आपका वो। और फिर यही काम वो करता, मैं नहीं जाना स्कूल, फिर आप मेरे को फोन करते हो, कंट्रोल, क्योंकि हम खुदगर्ज हैं, हम खुदगर्ज हैं और हमारा खुदगर्जी हमारे से ये काम करवा रहा है। सुनिएगा, मती जिसकी कहानी, जिसका इंजील मैं पढ़ रहा हूं, आपको अगर मती के बारे में नहीं पता तो वो एक टैक्स कलेक्टर था, क्या था, चुंगी लेने वाला, टैक्स अभी आपने भरा होगा 31 जुलाई, आज आखिरी दिन है, अगर नहीं भरा तो भर दीजिएगा, जनहित में हारी जारी। तो जब टैक्स देते हैं ना, आपने कभी टैक्स दिया है, मैं जब टैक्स देता था ना, मेरे को बड़ी खुंदक आती थी, पता नहीं शायद अभी भी आती होगी, आप टोल टैक्स से गुजरिए, आप टोल टैक्स से गुजरिए, आपको मालूम चलेगा टैक्स देना क्या पेन है, आप मतलब पेन है, ये बहुत सॉलिड पेन है, क्योंकि यीशु मसीह से, जब यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा था, वो कह रहे थे कि हम आपको राजा बना देते हैं क्योंकि हमें टैक्स नहीं देना, यीशु मसीह वहां से भाग जाता है, टैक्स देना इतना मुश्किल है। और मती जो था टैक्स कलेक्टर था, उस जमाने में टैली नहीं हुआ करता था, कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, अगर मती ने बोला तूने 10 दिनार देनी है तो तूने 10 दिनार ही देनी है, उसने बोला तूने 11 शेकल देने हैं तो तूने 11 शेकल ही देने हैं, और 11 में से शायद 4 वो कैजर के पास भेजता था, बाकी 6 अपनी जेब में रखता था। हालेलुया। अब इस मती को यीशु मसीह के बारे में पता चल गया, यीशु मसीह को इसने खाने पे बुला लिया और यीशु मसीह इसके घर चला भी गया। मालूम है बदलाव कब आया, मती चाह के भी चोरी में रह सकता था, किसी को कुछ नहीं पता चलता, टैक्स कलेक्टर रह सकता था। हम सेवाई तो कर रहे हैं, जो चुंगी मैं मार रहा हूं उसमें से 10% नहीं, मैं ज्यादा अच्छा आदमी हूं, मैं 30% चर्च को देना चाहता हूं, मगर कर तो तुसी स्यापा ही रहे हो। ये है फ्लैश, हम अपने आप को खुश कर ले, ये फेरेसिकल थिंकिंग है कि मैंने चिट्टे कपड़े पहन लिए हैं, गुड बॉय बन गया हूं, काला बस्ता धारण कर लिया है, और जैसे ही आप मुझे प्रेयर करने बोलो हर अना शाखा थोरो बो, ये इट्स जस्ट एक्टिंग। स्वर्ग में एक्टिंग नहीं चलेगी आपकी। तो मती ने क्या किया, अपना सारा जो भी उसने था उसने दे दिया, कहता मेरे को रखना ही नहीं है क्योंकि मैं बच गया हूं, क्योंकि मैं बच गया हूं। यीशु मसीह ने उससे 1 रुपया नहीं मांगा। हेलो, ये है फ्लैश को आजाद करने का तरीका, अपनी खुदगर्जी से बाहर आने का तरीका। सुनिएगा, जक्की के साथ भी सेम केस हुआ, जक्की ने भी कहता उद्धार आज मेरे घर में आया है, जो भी है ले जाओ, ले जाओ मेरा फर्नीचर, ले जाओ मेरा अलमीरा, ले जाओ जो कुछ भी है ले जाओ, उद्धार मेरे घर में आया है। जब आप प्रेरितों के काम 2 और 3 को पढ़ते हैं, बाइबल बताती है चर्च में किसी बात की घटी नहीं थी, क्योंकि वो सपना सारा कुछ बेच रहे थे और चर्च में सबके पास खाना था। सुनिएगा, एक अमीर लड़का यीशु मसीह के पास आता है, वो कहता है हे गुरु मैं अनंत जीवन का राज्य कैसे पाऊं। यीशु मसीह कहता है तू मुझे उत्तम गुरु क्यों कहता है। वो कहता है
कि तेरे को मालूम है ना 10 आज्ञाएं क्या है? बोलता हाँ मुझे 10 आज्ञाएं पता, इस बारे में भी मैं प्रचार कर चुका हूँ। तो वो बोलता है बचपन से मैंने वो 10 आज्ञाएं रखी हैं, मैं संडे को चर्च भी जाता हूँ, चर्च में सेवा भी करता हूँ, मैं झाड़ू भी लगाता हूँ, मैं टॉयलेट भी साफ करता हूँ। यीशु मसीह कहते तेरे में एक कमी है, अपना पैसा जो है ना गरीबों को दे दे और मेरे पीछे आ जा। जितने लोगों के पे कर्जे हैं ये कहता आज तो हमारे मतलब की बात हो रही है, नहीं आपके बार पार आऊँगा अभी थोड़ी देर में। वो कहता है सारा गरीबों में बांट दे मेरे पीछे हो ले। बाइबल बताती है वो लड़का मायूस होकर वहाँ से चला गया क्योंकि वो बहुत अमीर था। हमने अपने फ्लैश को ट्रेनिंग दी है अपने कंफर्ट जोन में बैठने की। एक जोन होता है, हर आदमी का एक जोन होता है, एक इलाका होता है। सुनिए, आदमी सामने वर्शिप करने क्यों नहीं आते? आदमी खाली प्रचार करने आते हैं, उनसे हाथ नहीं उठता। वो हमने अपने आप को ट्रेनिंग दी है लोग क्या कहेंगे। ओह सारे सो गए हैं साबी, इनको कैसे जगाऊं? हाँ क्या बोलो, कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं? जिन्नानु मेरी गल समझ में आ रही है एक बार आमीन बोलिए। ठीक है, सबको आ रही है? सुनिएगा, हमने अपने लोगों को, अपने आप को ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? हमने सिखाया है कि कैसे हम मज़े में रह सकते हैं। मज़ा किसको पसंद नहीं है? अगर मैं आज आपसे पूछूं कि क्या आपको मज़ा पसंद है? आपको पसंद है? आप में से कितने लोग आज बोलेंगे कि मैं आज अपनी नौकरी छोड़ के परमेश्वर के राज्य के लिए आना चाहता हूँ? सबसे पहला सवाल, मेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हाँ, मेरे बूढ़े माँ बाप उनको कौन देखेगा? मेरे बिजली के बिल कौन देगा? मैं अगर बीमार पड़ गया तो मुझे कौन देखेगा? हम परमेश्वर को जानते तो है मगर मानते नहीं है। ये है हमारा फ्लैश जिसको हमने ट्रेन किया है, बैठा रहे, हिलना नहीं, अपनी जगह से हिलना नहीं। अगर अपनी जगह से हिलेगी तो तुझे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, तुझे समझौते करने पड़ेंगे, तुझे हर रोज शायद बिरयानी ना मिले, हो सकता तुझे खाना भी ना मिले। वो अभी गाना गा रहे थे, मैं क्यों डरा, मैंने उसका गाना बदल दिया है, यस्सु मैं की करा। मैं सेवकाई करना चाहूं ना आया, मगर मैं की करा, होंदी नहीं है मेरे नाल सेवकाई, क्योंकि मैंने अपने आप को ट्रेनिंग दी है बचपन से। जिस दिन से आप पैदा हुए हैं आपको ट्रेन किया जा रहा है। पढ़ेगी नहीं तू, की बनना है तेरा? काम नहीं करेगा, की बनना है तेरा? चल 2 क्लास पढ़ जा, कम से कम रिक्शे वाला बन जाएगा, 4 पैसे तो गिनने आएंगे, और कुछ आए ना आए पैसे का जोड़ सीख ले, लोग तुझे बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। ये हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने आप को। बचपन से हमने अपने आप को ट्रेन किया है कि हम अपने लिए भोग विलास सुख, मैं ये नहीं बोलता हूँ आज अपना सब कुछ बेच देना, प्लीज ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या आप परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं? क्या आपको, आप उसको अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने दे सकते हैं? आप खुद अपनी गाड़ी चलाएंगे और बोलेंगे कि यीशु पीछे बैठ, ये होने वाला नहीं है। या तो वो आपकी गाड़ी चला रहा है, आपकी गाड़ी में है, या तो वो है ही नहीं। हमको अच्छे फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं कि जीसस के साथ मेरी दोस्ती है, वो मेरी गाड़ी में बैठा हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों की कंपनी शायद आपको अच्छी लगती है, आप जाके ना कुछ जगहों पे बैठ जाते हैं आप उनके साथ। यीशु मसीह वैसा नहीं है, ही इज द लॉर्ड, वो प्रभु है, वो प्रभु छोड़ के और कोई नहीं है, वो ही प्रभु है, उसके अलावा और कोई प्रभु नहीं है। अगर वो आपकी गाड़ी में है, अगर वो आज मेरी जिंदगी में है, ये कैसा हो सकता है कि मैं उसको बोलूं तू बगल में बैठ मैं गाड़ी चलाऊंगा? नहीं सर, आप गाड़ी चलाएंगे, मैं बगल में बैठूंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा तू जानता है। कोई तो बोले हालेलुया, बोलो मेरे से ज्यादा प्रभु जानता है। मगर ये चमड़ी आपको क्या बोलती है? तू ज्यादा जानता है, तुझे ज्यादा दुनियादारी पता है। अब्राहम इकलौता अपना बेटा लेके मारने चला गया। आदमी को पागल होना पड़ता है। अगर आप में से किसी को आज परमेश्वर बोले अपना बेटा चढ़ाओ, हाय मैं की सुनिया, बेटा चढ़ाऊं? परमेश्वर की करेगा मेरे बेटे का?
अब्राहम का भी सवाल हो सकता ना, मेरे यार इकलौता बेटा मेरा, ढूंढ के लाओ इश्माइल को, उसको ठोकता हूं, क्योंकि पराया बेटा चढ़ाना, मतलब अपना पराया नहीं, मतलब नौकरानी का बेटा चढ़ाना ज्यादा आसान है। ढूंढ के लाओ, किसी और को पकड़ लाओ, मैं शिंदे के बेटे को चढ़ा दूं, देखो कितना पापी है, सवेरे से 2 बार शराब पीता है, जुआ पीटता है, अपने बेटे को मारता है, उसके बेटे का वैसा भी कुछ नहीं होना, वो पक्का जुआरी बनेगा, उसको चढ़ा देता हूं। फ्लैश, बेटा ही चढ़ाना है ना, मैं अपना चढ़ाऊं या शिंदे के बेटे को चढ़ाऊं, क्या फर्क पड़ता है? आपका फ्लैश हमेशा यही कहता है कि आप ज्यादा समझदार हैं, मगर आज अपने फ्लैश को बोलो कि प्रभु ज्यादा समझदार है। यह है अपने फ्लैश को इनकार करना। कई बार परमेश्वर आपको ऐसे काम करने को बोलेगा जो शायद आपके ना तो आपके तौर तरीके में है, ना आपके आपकी समझ में है, ना आपके आप करते हैं, मगर परमेश्वर ऐसे कामों को आपको करने को कहेगा, क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या आपने उसको पूरी प्रभुता दी है, क्या पूरा कंट्रोल दिया है, क्या आप अपने आप को इनकार कर पाए हैं। मती के घर में परमेश्वर जाता है, जक्की के घर में परमेश्वर जाता है, ये दोनों टैक्स कलेक्टर हैं, ये अपने तरीके को छोड़ देते हैं एक सेकंड में, मगर एक अमीर आदमी जो बचपन से परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानता आया है, ये तीन अमीरों की बात कर रहा हूं मैं, ये तीन अमीरों की बात कर रहा हूं, ये तीन अलग अलग लोग हैं और तीन अलग अलग लोगों का तीन अलग अलग रिस्पॉन्स है। आज परमेश्वर आपके सामने खड़ा हुआ है, आज परमेश्वर आपके 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 ऊपर खटखटा रहा है, क्या आज आप अपनी चमड़ी की सुनेंगे या उस प्रभु की सुनेंगे? हाँ जी, क्योंकि जब तक आप चमड़ी की सुनेंगे तब तक आप अपना क्रूस उठा नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? आपने कई लोगों के गले में क्रूस देखा है, देखा है, आप में से किसी के गले में है, है तो मुझे दे दीजिए, थोड़ा उदाहरण करना है, किसी के गले में क्रॉस है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है आप क्रॉस पहनिए, मगर मेरे पास तो अपने गले में हम जब क्रॉस पहन लेते हैं ना, उस क्रॉस पे यीशु मसीह टंगा होता है, और यीशु मसीह यूं कहता है, जो सलीब मैंने उठाई वो नहीं, अपना, क्या अपना, अपनी सलीब, मेरी सलीब नहीं, मेरी सलीब मैं उठा चुका हूं। जब हम क्रॉस को देखते हैं, क्रॉस एक बड़ी अजीब चीज है, क्रॉस जो होता है, क्रॉस के अंदर क्या है, जब आप थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो क्रॉस का मतलब है कि मृत्यु। बाइबल बताती है कि, और हिस्ट्री भी बताती है, कई सारे हिस्टोरियंस बताते हैं, जब कभी भी किसी रोमी साम्राज्य में किसी को सलीब पर लटकाया गया, किसी को सलीब पर मारा गया या सलीब की बात आई, तो पक्का था वो मरने वाला है। आपको मालूम है फांसी की सजा से लोग बचाए गए हैं? इंडियन हिस्ट्री में ऐसा है कि एक आदमी को फांसी लगाई गई और फांसी लगी नहीं, उसको फांसी की कोशिश की गई कि उसके गले में फांसी डाला जाए और उसके ऊपर फांसी लगी नहीं और वो फांसी में से निकल गया और वो आज एक पासवान है। ये इंडियन हिस्ट्री में एक बार हो चुका है, क्योंकि वो फांसी लगा रहे थे, लगी नहीं, वो बच गया, छोड़ दिया गया। अमेरिकन हिस्ट्री में ऐसा है कि वहां पे लोगों को बिजली की कुर्सी पे बिठा के झटके से मार दिया जाता है। 2 ऐसे केसेस हुए, उनके अंदर से बिजली गई मगर वो लोग मारे नहीं गए और उनको छोड़ दिया गया, उनको एक्ट ऑफ गॉड बोल के उनको छोड़ दिया गया। मगर सलीब एक ऐसी जगह है, अगर आप सलीब पर चढ़े तो उतरना मुश्किल है, आपको गारंटीड मर के उतरना पड़ेगा। सवाल यह होता है कि प्रभु यीशु, आपने तो अपना सलीब उठा लिया, और सलीब का मतलब ही है कि आपने कोड़े खाए मैं चंगा हुआ, आपने दुख उठाए ताकि मैं दुख ना उठाऊं, आपने लहू बहाया ताकि मेरे गुनाह ढापे जाएं, तो फिर आप मुझे सलीब उठाने को क्यों कह रहे हैं? मैं क्यों उठाऊं, मैं क्यों करूं? क्यों? क्योंकि मैंने तुझे चुना है ताकि तू जाके सुसमाचार का प्रचार करे। सबको लगता है सुसमाचार ये माइक पकड़ना है, मैं आज आपको बताता हूं सेवकाई माइक पकड़ना नहीं है, मैं आज आपको बताता हूं सेवकाई माइक पकड़ना नहीं है, सेवकाई है सच पे खड़े रहना, सेवकाई है सही काम को सही तरीके से सही जगह पर सही टाइम से करना, ये है सेवकाई। और हमको कहीं ना लग जाता है कि बस हमने चर्च बना दिया सेवकाई स्टार्ट हो गई, नहीं,
सेवकाई चर्च के बाहर है, चर्च के अंदर बहुत कम सेवकाई होती। हमने वचन सिखा दिया, वचन हो गया, बाकी सब ठीक है, मगर वो जो हमने सिखाया है, वो जो फॉलो करना है यीशु मसीह का, वो क्या है? यीशु मसीह कहता है अपना सलीब अपने कंधे के ऊपर उठाओ और मेरे पीछे हो लो। अपना सलीब, अपना क्रॉस, अपना सलीब, अपना क्रॉस। बोलो, मैं अपना सलीब उठाऊंगा। सुनिएगा, अपना सलीब उठाना क्या है? अगर पवित्र आत्मा आपको रात के 3 बजे उठाए, बोले उठ प्रेयर करनी है, आज नहीं प्रभु, आज मैं बहुत थक गया हूं, कल आना, सुनो तुमने जाके फला आदमी की मदद करनी है, मैं उसकी मदद करूं? वो सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करता। आज अपनी सास को जाके कहना है प्रभु तुम्हें बहुत प्यार करता है, प्रभु आप मेरी सास के साथ रहते नहीं हैं, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। 2 दिन मेरी सास के साथ रह के देखो, आपको पता चल जाएगा। सलीब उठाना है क्या? जो आप कर रहे थे उसका विपरीत करना, जो आप कर रहे थे उसका विपरीत करना। हम दुनिया में चल रहे थे, हमने अपने चमड़ी को दुनिया की तरीके से चलना सिखा दिया, मगर परमेश्वर का वचन कहता है इस चमड़ी को मेरे अधीन लाओ और मेरे तरीके से चलना सीखो। इसी को कहते हैं क्रॉस उठाना। है पड़ा हुआ है, मैं खा सकता हूं, मगर मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया। मुझे जरूरत है, मैं भूखा भी हूं, मुझे चाहिए भी, मगर मैं उठाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा नहीं है, प्रभु ने ये मेरे हाथ में नहीं किया है। ये लड़कियों के बारे में है, उस लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं जो मेरी नहीं है, क्योंकि ये प्रभु ने मेरे लिए नहीं किया है। उस आदमी की तरफ नहीं देखूंगी, क्योंकि प्रभु ने ये अभी तक मेरे लिए नहीं किया है। उस पैसे की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं तो मरा हुआ हूं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं चलता। जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो वचन यूं कहता है कि ये तेरी कब्रगाह है जहां पर तू गाड़ा गया है, और जो गाड़ा गया है उसके अंदर कोई इमोशन होता नहीं है। स्तोत्रम, हल्लेलुया, क्योंकि आप मर चुके हैं, क्योंकि जो जिंदा होता है उसके इमोशंस होते हैं, उसको लगता है। आप में से सारे लोग नया जीवन जीना चाहते हैं, बॉर्न अगेन होना चाहते हैं, मगर बॉर्न अगेन होके करोगे की? अगर जिसने तुम्हें दोबारा पैदा किया है उसकी इच्छा पूरा नहीं कर पाए तो? हम पहले भी पुट्ठे काम कर रहे थे, आज भी पुट्ठे काम करेंगे। बॉर्न अगेन होने का मतलब है मेरा नया जन्म हो चुका है, पुरानी बातें सब बीत गई हैं, मैं नया किया गया हूं, अब मैं ग्लोरियस बॉडी में चलूंगा, महिमामय शरीर की कामना करूंगा कि इस शरीर के अंदर महिमा आए। यीशु मसीह अपने 3 चेलों को रूपांतरण के पहाड़ पर क्यों लेकर गया था? क्योंकि वो देख रहा था कि मैं शरीर में ग्लोरी में आ रहा हूं, मैं सलीब में जाने का इंतजार नहीं किया, मरने का इंतजार नहीं किया, कहता है मैं ऐसे ही ग्लोरी में आ सकता हूं, मगर मैं वो मरना जरूरी है ताकि तुम बचाए जाओ। वो उन्हीं को दिखा रहा था, अगर यीशु मसीह पानी पर चल सकता है तो पतरस भी पानी पर चला, अगर यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया तो उसके चेलों ने भी मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने अगर बीमारों को चंगा किया उसके चेलों ने भी बीमारों को चंगा किया, अगर यीशु मसीह ने जो काम किए, यीशु मसीह कहता है कि मेरे बाद आ रहे हैं वो मुझसे बड़े काम करेंगे, वो मुझसे बड़े काम करेंगे। बड़े काम क्या है? कि वो ग्लोरी में चलेंगे। ग्लोरी मालूम है क्या है? वो रोशनी नहीं है, वो रोशनी कई तस्वीरों में दिखाते हैं, एक रोशनी सी चमकती है, सर के आजू बाजू गोला होता है, वो नहीं। ग्लोरी है जो वचन आपने पढ़ा है वो आपके अंदर से चीजें पैदा कर रहा है, जो दुनिया में हमने सीखा है वो नहीं, जो दुनिया हमें सिखा रही है वो नहीं कि अरे झूठ बोलना, थोड़ा सा झूठ बोलना जरूरी है, थोड़ा सा चोरी करना जरूरी है, थोड़ा सा ये करना जरूरी है, वो नहीं। जो वचन कहता है उसको फॉलो करना, उसके अंदर से होकर निकलना, ये ऑटोमेटिक होगा। फ्रांसिस इधर, ये हमारा फ्रांसिस है। आपको लगता है ये कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है? हाँ या ना में बोलो, अभी शक है तेरे पे सबको। अच्छा लड़का है ये? हाँ जी, सुंदर लड़का है, भोला भाला है, ये तो तेरी माँ ही बताएगी। अब ये फ्रांसिस है, फ्रांसिस मैं तुझे मारने वाला हूँ, क्या करेगा? ये देखो,
क्या किया इसने अपने सर को, क्या किया, हाथ अभी तक बांधा नहीं, अगर मैं होता तो ऐसे करता। पूछो क्या है ये, शरीर की मेमोरी, आपकी मसल मेमोरी। किसी ने इसको बोला नहीं क्या करना है, ये ऑटोमेटिकली ऐसे करता है। जब हम दुनिया में थे, पाप में थे, ऑटोमेटिक होता है। अपने आप को इनकार करना, सलीब उठाने का मतलब है। आप सलीब के ऊपर ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। सुनो फ्रांसिस, मुझे उठा के चल, चल चल, मैं तेरा सलीब हूँ, उठा। भांगड़ा करने का जगह नहीं है इसके पास, डांस करने की जगह नहीं है, ये केवल सीधा सीधा चल सकता है, नाच नहीं सकता। हमको सबको लगता है कि यीशु मसीह के साथ चलना डांस करना है, हर रात को डांस पार्टी होगी। सलीब उठाने का मतलब है आप 100 किलो का बोरी उठा के दिखा दीजिए और नाच के बता दीजिए। हम सभी को लगता है डांस पार्टी है कहीं पे, नहीं, डांस पार्टी नहीं है, ये हमसे बड़ी बुलाहट है। सुनो, यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे, किसके पीछे? जब हम यीशु मसीह के पीछे चलना चालू करते हैं और जब सलीब उठाते हैं, वो सलीब मालूम है क्या है? शायद कुछ लोगों के लिए मौत दिखाती है, मगर मेरे जैसे पापियों के लिए वो छुटकारा बताती है। सुनिएगा, शायद अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वो मौत को दिखाती है, मगर जब हम यीशु मसीह को देखते हैं उस सलीब के ऊपर, मेरे लिए वो छुटकारा है। शायद परमेश्वर भी चाह रहा है कि तुम मेरे जैसे बनो, वो सलीब उठाओ। बहुत सारे तेरे जैसे वेट कर रहे हैं कि तू उनके लिए छुटकारा बने। सलीब उठाओ, सलीब उठाओ। वचन यूं कहता है, सलीब उठाओ, सलीब उठाओ। चर्च में बैठ के कुर्सियां गरम मत करो, सलीब उठाओ। चर्च में बैठ के हाथ उठाने से अच्छा है सलीब उठाओ। बकवास करने से अच्छा है सलीब उठाओ, सलीब उठाओ, सलीब उठाओ, क्योंकि वो सलीब जिंदगी देती है। सलीब उठाओ क्योंकि वो अंधेरे में पड़े हुए लोगों को जिंदगी रोशनी दिखाती है। सलीब उठाओ क्योंकि जिनके पास उम्मीद नहीं है वो सलीब उम्मीद को दिखाती है। सलीब उठाओ क्योंकि बहुत सारे लोग नरक के दरवाजे खटखटा रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब सलीब लेकर उनके पास पहुंचोगे। सलीब उठाओ, सलीब उठाओ। मुझे नहीं पता तुम क्या समझ पाते हो, नहीं समझ पाते। जिंदगी बदल गई है, तुम नया जीवन पाया है। खाली अगर आप अपनी चंगाई को लेकर आना चाहते हैं, छुटकारे को लेकर जाना चाहते हैं, दरवाजा खुला है, जाओ, आपका काम हो गया। नेक्स्ट लेवल है, सलीब उठाओ, सलीब उठाओ, सलीब उठाओ। खुद को इनकार करो, सलीब उठाओ। क्योंकि फैन फॉलोइंग बहुत हो गई, लोगों को अपने चर्च से ज़्यादा प्यार हो गया है, अपने पास्टर से ज़्यादा प्यार हो गया है, अपनी कुर्सी से ज़्यादा प्यार हो गया है। आज परमेश्वर कहता है मुझसे प्यार कब करोगे, मुझसे प्यार कब करोगे। शरीर का एक प्रॉब्लम है, आपके पास एक पापी पेट है, है आपके सभी के पास एक पेट। हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, कान नहीं हो, नाक नहीं हो, आंख नहीं हो, मगर पेट सभी के पास है। हाँ जी, है सबके पास एक पेट। इसको पापी पेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमेशा इसको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको मालूम होता है कि 8 बजे पराठे चाहिए। इसको किसी घड़ी का मोहताज नहीं है, इसको मालूम चल जाता है कि 12 बजे कड़ी चावल का टाइम हो गया है। इसको मालूम चल जाता है, ये पापी पेट इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी एक घड़ी है जो अंदर लगी है, किसी को मालूम नहीं, ना किसी को चाबी देना है, ना किसी को उसको देखभाल करना है, ये पापी पेट है। सुनो, इस पेट को आप कैसे भरना चाहते हो? हर आदमी की भूख लिमिटेड होती है। मैं एक कुक से मिला, एक बहुत बड़े 5 स्टार में मैनेजर है। मैंने, साहब, मैं कहता यार तू इतना खाना, तेरा जो किचन है इतना बड़ा किचन है, 4 तूने अपने पास शेफ रख रखे हैं और बुफे तू करवाता है 2000 रुपये में, तेरा खर्चा पूरा कैसे होता है? एसी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इतना तेरा स्टाफ है। कहता मैं बड़ा चलाक हूँ, मुझे मालूम है एक आदमी 400 ग्राम खाना खाता है। मैंने कहा अच्छा। कहता चिकन तक आने से पहले पहले ही मैं इतनी सुंदर चीज़ें रख देता हूँ कि वो खा के वो झिक जाता है, उसके बाद वो चिकन पर आता है, और जब वो चिकन खाता है वो 50-60 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा पाता।
मैंने कहा तू तो बड़ा चलाक है। कहता मैं इतनी सुंदर चीज़ें चिकन से पहले रख देता हूँ कि उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो चिकन छोड़ते हैं, वो सारी चीज़ें खाने लगते हैं। मैं सलाद ऐसे काटता हूँ उनको लगता पता नहीं क्या चीज़ है। मैंने कहा अच्छा कैसे काटता? मैंने देखा सलाद के ट्रैक्टर बने हुए हैं, मैं क्या, और लोग उसी को खा रहे हैं। मैं कह ये अपने घर पर भी खा सकते हो। वो एक फाउंटेन बना हुआ है, फाउंटेन के अंदर से मक्की के दाने निकल रहे हैं, लोग उसको खा रहे हैं। मैंने कहा मक्की के दाने वैसे ही बाहर खा सकते हो, चिकन पे हमला करो। कहता है होने नहीं देता मैं हमला, वहाँ पे होने नहीं देता कि पहले ही मैंने इतने सामान बिछा रखा है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आदमी थक जाता है। सुनो आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है। वचन खाने से पहले पहले ही आप चर्च आने से पहले गुस्सा खा के आए हैं। हाँ जी, परफेक्ट संडे मोड में चर्च आने से पहले आपका दिमाग फिर चुका है, या तो अपने पति के ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर, या अगर आप पास्टर हैं तो अपने चर्च वालों के ऊपर। ठंडी सांस ले लिए, परफेक्ट संडे मोड में आप बैठे हैं, क्योंकि शैतान चाहता ही नहीं कि आप वचन तक पहुंचो। उससे पहले ही उसने ऐसा सब कुछ लगा रखा है कि आपको मन नहीं करेगा। सुनिए, जैसे ही आप वचन रात को सोचेंगे हमने आज प्रेयर करनी है, फैमिली प्रेयर करेंगे, उसी समय झगड़ा। और फिर झगड़ा जब होता है तो आपको ताकत की ज़रूरत पड़ती है। आपने कुछ ना कुछ अपने टिंड में भरना है, बिना कि खाली पेट कोई फौज लड़ नहीं सकती। हमको अपने आप को भरना पड़ता है ताकि हम खाली कर सकें। कुछ लोग अपने ऑफिस से भर के आते हैं, कुछ लोग अपने काम की जगह से भर के आते हैं, कुछ लोग घर में बैठे बैठे भर रहे हैं, और सबको डाउनलोड करना है। आज आपका शरीर क्या मांग रहा है? आज आपका शरीर क्या मांग रहा है? क्या वो वचन से है, क्या वचन के परे की खुराक है? क्या आप शैतान ने जो आपके सामने मीट से पहले वो सारी चीजें रख रखी हैं, जैसे ही हम प्रेयर करने जाने वाले थे उसी समय वो सास भी कभी थी का समीर उस मर गया, सारा परिवार बैठा हो, वो समीर मर गया, बड़ा चंगा बंदा ही, ताड़ा जमाई ही, ओ फलां सीरियल का वो मर गया, पता नहीं कौन सी नागिन आ गई, सारे तुही तुन तुम्हानू पता ही कि नागिन ने सारा हमारा स्यापा किया है, फिर भी नागिन को तुम देखते हो बैठ बैठ के, निहारते हो, उसके वांगू नेल पॉलिश लगाते हो, क्योंकि मीट तक वो तुम्हें जाने नहीं दे रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? वो मीट तक आपको जाने नहीं दे रहा है। पहले ही बहुत कुछ है कि आप अपना पेट भर लेते हैं और आप मीट तक नहीं जाते। और क्योंकि हम मीट तक नहीं पहुंच रहे, जैसे सिस्टर बोल रही थी, दूध पीने का टाइम बहुत हो चुका। पौलुस कहता है अब तुम्हारा समय है मीट खाने का, क्योंकि प्रोटीन वहां पर है, उसी से तुम्हारी मसल बनेगी, और जब तक मसल बनेगी नहीं तुम अपना सलीब उठा नहीं सकते, अपना सलीब उठा नहीं सकते। इस पापी पेट को किससे भर रहे हो? आज समय है कि खुद को इनकार करें कि परमेश्वर जैसा तू कहे। आज अगर आपको मेरी बात रत्ती भर भी समझ में आई है, रत्ती मतलब है जरा सा भी समझ में आया है, आज परमेश्वर को कहें कि खुदावन मैं आज अपने आप को इनकार करता हूं। जो मुझको खुशी देता है वो नहीं, जो तुझको खुशी देता है, जो तुझको खुशी देता है। ये बाइबल का बैलेंस समझना बड़ा जरूरी है। नादान मत बनो, वचन यूं कहता है, बेवकूफ मत बनो, इस संसार के सदृश मत बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से। बोलो आज मेरे मन को नया होने की जरूरत है परमेश्वर, आज मेरी सोचों को नया होने की जरूरत है परमेश्वर, आज मैं अपने शरीर का इनकार करता हूं। ये शरीर, ये दिमाग मेरे को बेवकूफ बनाता रहता है परमेश्वर, मैं अपने शरीर को आज खाली करता हूं। मैं अपने दिमाग को भी आज आपके सामने खाली करता हूं परमेश्वर। जो सोचे तेरी पवित्र आत्मा डाले वो चीजों को मैं रखना चाहता हूं, जो बातों को तेरी पवित्र आत्मा मेरे अंदर डाले मैं उनको रखना चाहता हूं, जो आशीषें तू मुझे देना चाहे मैं खाली उसको रखना चाहता हूं। खुदावन मैं अपना सलीब उठाना चाहता हूं,
मैं जानता हूं ये मुश्किल है, मैं जानता हूं ये कठिन है, मगर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। मैं जानता हूं आज जब आप बाहर निकलेंगे, अपने घर की तरफ जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें बीच में मिलेंगी। ये हफ्ता बहुत लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होने जा रहा है, मगर परमेश्वर का आत्मा आज आपको उसमें से निकालेगा, आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि आपने वो सलीब उठाने की कोशिश करी है। सुनो, परमेश्वर का बेटा बनना अच्छा है। हम पिछले बार सुन रहे थे, हम वारिस बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, मगर मैं आज आपको बोलता हूँ, जब बेटे का जूता, बाप का जूता बेटे के पाँव में आने लग जाए तो उसको बेटा नहीं बोलते, दोस्त बोलते। परमेश्वर भी चाह रहा है कि तुम मेरे जूते में अपना पाँव फंसाओ, जिस राह पे मैं तुरा हूँ तुम भी उसी रास्ते में तुरो। मैं तुमसे दोस्ती चाहता हूँ, फ्रेंडशिप चाहता हूँ, मैच्योरिटी चाहता हूँ। कोई तुम्हारे पीछे डंडा आके नहीं लेके घूमेगा, चलो 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 चलो, अब तुम भेड़ नहीं रहे, अब तुम चरवाहे बन गए हो। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं चरवाहा बन गया हूं, अब तुम भेड़ नहीं रहे, ए चल, अब मैं चरवाहा बन गया हूं, मैं बाकियों को सामूंगा, किसी को गुमने नहीं दूंगा, अगर कोई गुम भी गया तो मैं गुमे हुए को ढूंढ के ले आऊंगा। मैं चरवाहा बन गया हूं, अब मैं भेड़ नहीं रहा, मैं था, मैंने शुरुआत करी थी कि मैं कभी भेड़ था, मगर अब मैं चरवाहा बन गया हूं। हालेलुया।